हाँ बेटा, सबसे पहले तो न्यूक्लियस चोमू चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम जो एक छोटे से टॉपिक की बात करेंगे वो है एनिमल टिश्यू, मतलब जंतु ऊतक। जंतु ऊतक या ये टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा और मैं न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट में बायोलॉजी HOD के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पर मैं जूलॉजी फैकल्टी के रूप में भी काम करता हूँ। ठीक है बेटा, तो हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो सारे जूलॉजी से संबंधित होंगे, मतलब प्राणी विज्ञान से संबंधित होंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम जूलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है बेटा प्राणी ऊतक। तो सबसे पहले बेटा एक चीज़ अपने को ये होनी चाहिए कि ये ऊतक होता क्या है। अगर हम ऊतक शब्द को परिभाषित करें कि ऊतक शब्द को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, तो उसमें हम देखें बेटा कि ऊतक होता क्या है। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे, ऊतक। बात समझ में बेटा, कि हमारे दिमाग में तुरंत एक ही चीज आती है कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। लेकिन क्या हमने जो परिभाषा दी है क्या ये सही है, क्या कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं? नहीं बेटा, कोशिकाओं का समूह तो है लेकिन उस समूह की जो कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये कोशिकाएं उत्पत्ति में, कार्य में और संरचना में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए और एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ में डूबी हुई भी होनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना, कि ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है, ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो उत्पत्ति में, संरचना में और कार्य में समान होते हैं तथा एक विशेष प्रकार के पदार्थ में डूबे हुए होते ही हैं। कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं बेटा, ऊतक। इसको अपन क्या कहेंगे, ऊतक। ठीक है बेटा, तो वो जो पुरानी वाली परिभाषा ये थी कि कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, इसका मैं एक आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि क्यों नहीं कहते हैं हम कोशिका के समूह को ऊतक। तो बेटा हम जब प्राणियों को बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, तो एक समूह, एक संघ होता है पॉरीफेरा। नाम सुना है बेटा, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें जो कोशिकाएं होती हैं उनमें भी क्या होता है बेटा, वो कोशिकाओं का समूह होता है। वो जो प्राणी होते हैं वो दरअसल होते क्या है, वो कोशिकाओं का समूह होता है। लेकिन उसको हम ऊतक नहीं कह सकते। क्यों बेटा? क्योंकि उस समूह की जो कोशिकाएं होती हैं, उस समूह की जो कोशिकाएं होती हैं, हर एक कोशिका एक विशेष प्रकार का कार्य करती है। हर एक कोशिका एक विशेष प्रकार का कार्य करती है। जैसे एक कोशिका पाचन का कार्य करेगी, एक कोशिका श्वसन का कार्य करेगी, एक कोशिका उत्सर्जन का कार्य करेगी और कई तरह की जो अलग अलग जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार का कार्य करती हैं, लेकिन ये सभी की सभी कोशिकाएं एक समूह में हैं। तो क्या हम इसको ऊतक कहेंगे? नहीं बेटा। क्यों? क्योंकि ये कोशिकाएं बेटा समूह में तो हैं लेकिन ना तो इनकी उत्पत्ति समान है, ना ही ये समान प्रकार का कार्य कर रहे हैं। लेकिन परिभाषा के अनुसार क्या है? परिभाषा के अनुसार कि जो ऊतक कोशिकाओं का, ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है जो संरचना और उत्पत्ति में और कार्य में कैसे होते हैं, समान होते हैं। संरचना में चाहे अलग हो सकते हैं लेकिन उत्पत्ति में समान होने चाहिए, उनका ओरिजिन या उनकी उत्पत्ति समान होनी चाहिए, एक ही इनका उत्पत्ति स्थल एक ही होना चाहिए। बात समझ आएगी बेटा? ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें किसकी, कि जैसे कोशिकाओं का समूह जो संरचना और कार्य उत्पत्ति में समान होता है वो बेटा, उसको अपन क्या कहते हैं, ऊतक या टिश्यू कहते हैं। अब विज्ञान की वह शाखा, जिसमें हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान, कि ऊतक विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, ऊतकों का, या हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, ऊतकों का अध्ययन करते हैं। तो ऊतकों की अध्ययन की विज्ञान को हम क्या कहते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी या ऊतक विज्ञान। और इस ऊतक विज्ञान का जनक कौन, बाइचेट। बाइचेट जो है ये कौन है, ये बेटा साइंटिस्ट है जिसने ऊतक विज्ञान का
जनक कहा जाता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि? अब हम बात करते हैं बेटा ऊतकों की। तो ऊतक का निर्माण कैसे होता है बेटा? ऊतक का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। तो क्या होती है बेटा कोशिका को अपन कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जो कोशिका होती है ये कोशिका क्या होती है? शरीर की या प्राणी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। क्यों? कह दिया हमने भैया कि ये कोशिका जो होती है वो प्राणी की या जीवन की जो होती है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन इसका बताना भी तो पड़ेगा ना कि क्यों होती है। तो क्यों होती है ये ऐसी? क्यों इसे हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं? ऐसा इसलिए बेटा जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों का जीवन एक कोशिका से प्रारंभ होता है। बात समझ में आ गई ना? जैसे हमारी बात करते हैं, हम तो मानव की बात करते हैं, तो मानव की अगर अपन बात करते हैं तो मानव का जीवन कहां से प्रारंभ होता है? एक कोशिका से। नहीं बैठा दिमाग में? एक कोशिका, वो कोशिका कौन सी होती है? ये बेटा वो कोशिका होती है, नाम सुना होगा तुमने, युग्मनज जायगोट। युग्मनज का नाम सुना है? जायगोट क्या होता है पता है क्या? जायगोट क्या चीज होती है बेटा? जायगोट जो होता है, जायगोट या युग्मनज नर व मादा युग्मकों के निषेचन से बनने वाली जो कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? युग्मनज। पता है नर युग्मक कौन? शुक्राणु। मादा युग्मक कौन? अंडाणु। जब इन दोनों में निषेचन होता है, जब इन दोनों में निषेचन होता है तो एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण होता है। अब द्विगुणित क्यों? क्योंकि बेटा जो शुक्राणु होते हैं वो कैसा होता है? अगुणित होता है, मतलब उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और जो मादा युग्मक जो अंडाणु होता है उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। और जब इन दोनों में संयुग्मन होता है, मतलब जब दोनों का निषेचन होता है और दोनों के निषेचन से बेटा एक कोशिका बनती है और उस कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसे हो जाती है? द्विगुणित, मतलब आधे आए शुक्राणु से आधे आए अंडाणु से, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? द्विगुणित कोशिका। मतलब यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? जैसे मानव की बात करते हैं तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी बेटा? कितनी हो गई? 46। क्योंकि इसमें बेटा 23 गुणसूत्र शुक्राणु से आते हैं और 23 गुणसूत्र अंडाणु में मिलते हैं। दोनों मिल कितने हो गए? 46 हो गए। तो अब ये जो जायगोट बना है बेटा, ये जो युग्मनज बना है, हमारा जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। तो ये जीवन की संरचनात्मक इकाई हो गई। बेटा जीवन का प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? उस एक कोशिका से होता है। वो और युग्मनज क्या है बेटा? एक कोशिका है। उस एक कोशिका से उस युग्मनज का निर्माण, और एक कोशिका से हम किसी भी प्राणी का निर्माण होता है। अब इस युग्मनज में क्या होगा बेटा? कोशिका विभाजन। अब इस युग्मनज में कोशिका विभाजन होगा। अब ये जो एक कोशिका है वो विभाजित होकर के बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण करेगी और धीरे 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 और बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? ये हमारे पूरे के पूरे शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो शरीर का निर्माण भी किससे हो रहा है बेटा? जीवन का प्रारंभ कहां से हो रहा है? उस कोशिका से। और शरीर का निर्माण किससे हो रहा है? उसी कोशिका से। बात समझ में आई ना? तो हर एक जो जीव होता है उसका जीवन कहां से प्रारंभ होता है? एक कोशिका के द्वारा होता है। और एक कोशिका से प्रारंभ होने के कारण इसे अपन जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब जैसे प्राणियों को हम बांटें तो प्राणियों को हम अलग अलग आधारों पर, जैसे कि एक कोशिकीय जीव भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। एक कोशिकीय जीव भी होंगे और बहुकोशिकीय जीव भी होंगे बेटा। तो पर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, अगर हम बात करें कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं जैसे अमीबा, हम तो केवल एक कोशिकीय जीव की बात करें, प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहले जैसे बात करते हैं किसकी? अमीबा। अमीबा क्या है बेटा? एक कोशिकीय जीव है। अब ये एक कोशिकीय जीव है तो इसके जितने भी जैविक प्रक्रम होते हैं, अब बेटा ये जैविक प्रक्रम कौन कौन से होते हैं? जैविक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? जैविक प्रक्रियाएं ऐसी प्रक्रियाएं जो जीने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन,
गमन, संचलन, ये सब क्या होते हैं? ये बेटा ये जीवन के प्रोसेस होते हैं, जनन, ये सब क्या होते हैं? जीवन की प्रक्रियाएं होती हैं जो प्रत्येक जीव करता है। बात समझ में ना? तो ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें समस्त जैविक प्रक्रियाएं, एक कोशिकीय जीवों में समस्त जैविक प्रक्रियाएं जो होती हैं वो बेटा एक ही कोशिका के द्वारा की जाती हैं। मतलब इनमें पाचन भी यही कोशिका करेगी, श्वसन भी यही कोशिका करेगी, जनन भी यही कोशिका करेगी, उत्सर्जन भी यही कोशिका करेगी और गमन संचलन भी यही कोशिका करेगी। बात समझ में आ गया ना? तो ऐसे प्राणी जिनमें समस्त जैविक प्रक्रम एक कोशिका के द्वारा किए जाते हैं, उनमें जो शारीरिक संगठन होता है वो कैसा होता है बेटा? जीवद्रव्य प्रकार का, जीवद्रव्य स्तर का। एक कोशिकीय प्राणी जो होते हैं उनमें जीवद्रव्य स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। मतलब इनमें जो समस्त जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, सारी जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न की जाती है। ये किसकी बात हो गई बेटा? ये हमने बात कर ली एक कोशिकीय जीवों की। किसकी बात करी है हमने? एक कोशिकीय जीवों की। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जीवों की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो बहुकोशिकीय जीवों का जो है वो संघ से शुरू होता है। कहाँ से? पॉरीफेरा। नाम सुना है? पॉरीफेरा संघ, पॉरीफेरा। तो जो पॉरीफेरा संघ होता है बेटा, उस पॉरीफेरा संघ में ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। अब ये बहुकोशिकीय मतलब कोशिकाएं समूह बना के रहती हैं। ध्यान रखना, हम ऊतक पे आ रहे हैं धीरे धीरे। किस पे आएंगे बेटा? ऊतक पे आएंगे। तो यहां पे क्या हुआ? पहले जो अमीबा एक कोशिकीय जीव था, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी एक कोशिकीय जीव हैं, उनमें एक ही कोशिका है और वो सारी जैविक प्रक्रियाएं एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न की जा रही हैं। लेकिन जब बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं, तो बहुकोशिकीय जीवों में सबसे निम्न स्तर के प्राणी होते हैं कौन से बेटा? पॉरीफेरा संघ के, जिसको हम स्पंज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्पंज के नाम से उनको जानते हैं। और उनमें क्या होता है बेटा? कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उनमें क्या होता है? कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और लेकिन इस कोशिका के समूह को हम उत्तक नहीं कह सकते, ये बोलते हैं समूहन, एग्रीगेशन। इस समूह को अपन क्या कहते हैं? समूहन या एग्रीगेशन। क्यों बेटा, क्यों नहीं कहते? जब समूह है तो कहना चाहिए ना, समूह तो कहना चाहिए। तो समूह है, लेकिन इस समूह की हर एक कोशिका जो होती है बेटा अलग अलग काम करती है। इस समूह की हर एक कोशिका अलग काम करेगी। जैसे एक कोशिका काम कर रही है किसका? पाचन का, दूसरी श्वसन का, तीसरी उत्सर्जन का, चौथी जनन का। तो अलग अलग इसमें क्या होता है? श्रम विभाजन, काम का बंटवारा। जब कोशिकाएं एक से ज्यादा हो गई तो उन्होंने क्या किया? काम का बंटवारा कर लिया कि भाई ये कोशिका, इसको पाचन करना है, इसको श्वसन करना है, इसको उत्सर्जन करना है और ये जनन में सहायता करेगी। लेकिन ये सारी जो कोशिकाएं हैं काम अलग अलग कर रही हैं, और जब काम अलग अलग कर रही हैं, इनकी उत्पत्ति भी कैसी है? अलग अलग है, लेकिन रह कैसे रही हैं? साथ, एक समूह में रह रही हैं। तो इसको बेटा हम उत्तक नहीं कह सकते, इसको हम उत्तक नहीं कह सकते। बात समझ आएगी ना? क्योंकि इनके कार्य अलग हैं, इनकी संरचना अलग है, इनकी उत्पत्ति भी अलग है। ठीक है, अब दो ऐसे प्राणी जिनमें एक विशेष कोशिका एक विशिष्ट कार्य को संपन्न करती है, एक विशिष्ट कोशिका एक विशेष कार्य को संपन्न करती है, उन प्राणियों में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। उनमें बेटा शारीरिक संगठन कैसे होगा? कोशिकीय स्तर का। उनमें कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? चलो, इसके बाद में हम बात करते हैं बेटा, हम थोड़ा सा और जटिल प्राणियों में आते हैं। हम थोड़ा और जटिल प्राणी, जैसे नाम सुना हुआ है सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। बेटा ये जो संघ हैं वो कैसे हैं? ये बेटा ये सरल से जटिल जीवों की तरफ,
हमने जो बात करी सरल से जटिल जीवों की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो हम पेरिफेरा की बात कर ली जो कि सबसे मल्टी सेलुलर जो बहुकोशिकीय जीवों में सबसे निम्न स्तर के होते हैं, और उनमें जो होता है वो कैसा स्तर पाया जाता है बेटा, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें सभी कार्य जो होता है, एक जो कार्य होता है एक विशेष कोशिका के द्वारा किया जाता है। तो उनमें क्या होता है बेटा, उनमें कौन सा होता है कोशिकीय स्तर का संगठन। हम धीरे धीरे बेटा किस पे आ रहे हैं, ऊतक पे आएंगे अभी। तो दूसरे जो जीव होते हैं उनमें बात कर रहे हैं कौन सा स्तर हो गया बेटा, कोशिकीय स्तर का। उनका स्तर कैसा हो गया, कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन इनमें पाया जाता है। फिर बात करते हैं अपन कि थोड़े से हायर एनिमल्स में आते हैं, थोड़े उच्च प्राणियों में आते हैं। उच्च प्राणियों में क्या होता है बेटा कि शरीर का आकार बढ़ता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, और जब कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है तो बेटा उनमें एक कोशिका जो पाचन की प्रक्रिया कर रही थी, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति हो रही थी, उसमें इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो समस्त कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान कर सके या समस्त कोशिकाओं के लिए पाचन की प्रक्रिया कर सके। तो क्या होगा बेटा, वो कोशिका अब विभाजन करेगी। जो कोशिका पाचन करती है वो कोशिका क्या करेगी, विभाजन करेगी और अपने ही समान कोशिकाओं का निर्माण करेगी जो कि वही कार्य करे जो कि वो कोशिका कर रही है। मतलब जैसे जो कोशिका पाचन कर रही है किसमें बेटा, नीचे वाले प्राणियों में, कोशिकीय स्तर वाले प्राणियों में। अब कोशिकाओं का आकार बढ़ा, इनकी संख्या बढ़ी, मतलब जीवों में थोड़ी सी जटिलता आई, तो जो पाचन करने वाली कोशिका है, जो पाचन करने वाली कोशिका है, वो कोशिका क्या करेगी बेटा, वो कोशिका विभाजन करेगी और अपने ही समान कोशिकाओं का निर्माण करेगी जो कि उसी के समान कि कौन सा काम करे, पाचन का। इसका मतलब इससे जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उस कोशिका जो कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, उनकी उत्पत्ति भी समान होती है, उनका कार्य भी समान होता है, और इन कोशिकाओं के समूह को अपन क्या कहते हैं बेटा, ऊतक। बात समझे ना, जैसे सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, जैसे हाइड्रा का नाम सुना होगा, उसमें तो ऐसे प्राणी जिनमें एक विशेष कार्य कोशिकाओं के समूह या ऊतक के द्वारा किया जाता है, उन प्राणियों में ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। शारीरिक संगठन कैसा हो गया बेटा, ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन उनमें पाया जाता है। यहां तक का समझ में आ गया, ठीक है बेटा, ऊतक स्तर शारीरिक संगठन। अब हम बात करें थोड़े उच्च प्राणियों में आते हैं, और भी प्लेटिहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनेलिडा, प्लेटिहेल्मिन्थीस और एस्केल्मिन्थीस तक के प्राणियों में जब हम बात करते हैं, तो उनमें क्या होता है कि कुछ ऊतक आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं बेटा, अंगों का निर्माण कर लेते हैं। अब जो काम पहले एक कोशिका कर रही, पहले प्रोटोप्लाज्म कर रहा था, उसके बाद में एक कोशिका कर रही थी, फिर ऊतक कर रहे थे, अब ऊतक विभिन्न प्रकार के, देखो ध्यान रखने की बात है, एक ऊतक में कोशिकाएं समान प्रकार की होती हैं, लेकिन एक अंग में अलग अलग प्रकार के ऊतक हो सकते हैं या होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के ऊतक आपस में जुड़ करके अंग का निर्माण करते हैं। अब वो कार्य जो एक कार्य एक अंग के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे प्राणी जिनमें जैविक को एक विशिष्ट कार्य, ऐसे प्राणी जिनमें एक विशिष्ट कार्य एक अंग के द्वारा किया जाता है, उनमें अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। समझ में आ गया। अब हम और भी उच्च प्राणियों की बात करते हैं, हम तो मानव की बात करते हैं, हम तो हमारी बात करते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है बेटा, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के अंग, आपस में जुड़ करके अंग तंत्र का निर्माण कर लेते हैं, और वो अंग तंत्र एक ही कार्य करेगा, एक विशिष्ट कार्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल हम पाचन तंत्र की बात करते हैं, जैसे हमारा पाचन तंत्र है, तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग हैं, अंग जैसे अपना मुख है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, यकृत, पित्ताशय, जठर ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, ये सब क्या है बेटा, ये सारे के सारे अंग हैं, और ये सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। मतलब संपूर्ण तंत्र का निर्माण कर लिया, और उस तंत्र को हम कहेंगे पाचन तंत्र। वो तंत्र क्या कहलाएगा बेटा, पाचन तंत्र। अब ये पाचन तंत्र क्या काम करेगा, केवल एक ही काम कर रहा है बेटा पाचन का। कभी सुना है कि पाचन तंत्र श्वसन हो रहा है, नहीं, बात समझ है ना, कि
एक तंत्र एक ही कार्य करता, तो ऐसे प्राणी जिनमें एक विशिष्ट कार्य एक विशिष्ट अंग तंत्र के द्वारा किया जाता है, उन प्राणियों में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तो ये बेटा, ये सफ़र शुरू होता है एक कोशिका से, और एक कोशिका से शुरू होकर के ये जो सफ़र है कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? क्या अंग तंत्र पे ख़त्म हो गया? नहीं। अब ये जितने भी अंग तंत्र होते हैं ये आपस में जुड़ करके एक जीव का निर्माण कर लेते हैं। जैसे हम कौन है? एक जीव है बेटा। हमारे शरीर का निर्माण किससे हो रहा है? हमारे शरीर का निर्माण बेटा विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इन सभी तंत्रों से मिलकर के हमारे एक जीव का निर्माण हुआ है। बस में ना, तो सफर शुरू होता है एक कोशिका से और एक जीव पे आकर के खत्म होता है। बात समझेगा ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं कहां पर बेटा? उत्तक की। हम किसकी बात करेंगे? उत्तक की बात करें। तो यहां पे अगर हम बात करें बेटा, तो प्राणियों में जो अलग अलग प्रकार के जो प्राणी होते हैं, हम तो सभी प्राणियों की एक कॉमन बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं कि एक जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों में चार प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। अगर हम उत्तकों के प्रकार की बात करें बेटा, तो जितने भी प्राणी होते हैं उन प्राणियों में बेटा कितने? ये चार प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है, अब पहले बात करें क्या? पहला तंत्रिका उत्तक। क्या बेटा? तंत्रिका उत्तक। दूसरा पेशी उत्तक। तीसरा संयोजी उत्तक। और चौथा उपकला उत्तक। चार प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं प्राणियों में। तंत्रिका उत्तक, जिसे नाम से पता है, तंत्रिका तंत्र की बात अगर हम करें तो तंत्रिका उत्तक का काम क्या होता है बेटा? तंत्रिका उत्तक का काम होता है आवेग को संचरित करना, आवेग की उत्पत्ति करना और उस आवेग का संचरण करना। बात समझे ना? आवेग का मतलब बेटा विद्युत विभव का उत्पन्न होना। जैसे हमारे शरीर को किसी प्रकार का उद्दीपन मिलता है, जैसे किसी ने सुई चुबा दी तो सुई चुबाना उद्दीपन है, उस उद्दीपन से दर्द का क्या होगा? आवेग उत्पन्न होगा। वो आवेग कहाँ तक जाएगा बेटा? तंत्रिका उत्तक के द्वारा उसको कहाँ भेजा जाएगा? मस्तिष्क तक भेजा जाएगा। और मस्तिष्क से फिर आवेग उत्पन्न होकर के आएगा कि करना क्या है। तो जैसे ही सुई चुबाते हैं तो हाथ को हटाने का जो आवेग है वो कहाँ से आएगा? मस्तिष्क से। समझ आ रहा है बेटा? तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें आवेग की उत्पत्ति और संचरण का कार्य किया जाता है। दूसरा, बाकी इसके इन सब की डिटेल स्टडी करेंगे अपन एक एक करके। तो दूसरी बात करते हैं पेशी उत्तक। पेशी उत्तक जो होता है वो इसमें पेशियां पाई जाती हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं बेटा। और इसका कार्य क्या होता है? इनका काम होता है बेटा गमन और संचलन में सहायता करना। मतलब हम चलते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, हाथों को हिलाते हैं, ये सब किससे हो रहा है? ये बेटा पेशियों की सहायता से हो रहा है। और कर कौन रहा है? कि पेशियां और अस्थियां। मतलब तंत्रिका, ये बात करते हैं संयोजी उत्तक, और जो संयोजी उत्तक में कौन? अस्थियां आती है बेटा। अस्थियां जो संयोजी उत्तक होती हैं वो और पेशी उत्तक आपस में मिलकर के क्या करते हैं? गमन और संचलन का नियंत्रण करते हैं। बात समझ में आ गई? और तीसरी बात करते हैं संयोजी उत्तक की बात करेंगे। संयोजी उत्तक, जैसे नाम से पता, संयोजी मतलब जोड़ने वाला। संयोजी का मतलब बेटा जोड़ने वाला, कि ऐसा उत्तक जिसने दो उत्तकों, दो अंगों या को आपस में जोड़ रखा है, वो उत्तक कौन सा होता है? संयोजी उत्तक। मतलब दो उत्तकों, अंगों को आपस में जोड़ने वाले उत्तक को अपन संयोजी उत्तक कहते हैं। बात समझ आ गई? और तीसरा, चौथा जो होता है बेटा अपने पास, उपकला उत्तक। चौथे की बात करें तो क्या? उपकला उत्तक। ठीक है, अब उपकला उत्तक ऐसा उत्तक होता है बेटा जो हमारे शरीर में पाए जाने वाली नलिकाओं के सबसे बाहरी और सबसे आंतरिक स्तर का निर्माण करता है। कोई भी अंग है जो नलिकाकार संरचनाएं होती हैं, उनका सबसे बाहरी और सबसे आंतरिक स्तर का निर्माण करने वाला जो उत्तक होता है वो कौन सा होता है? उपकला उत्तक। ये तो बेटा ये चार प्रकार के उत्तक होते हैं जो प्राणियों में पाए जाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं बेटा कि अब एक
हमने शुरुआत में एक बात करी थी कि ये जो उत्तक की कोशिकाएं होते हैं ये एक विशेष प्रकार के पदार्थ में क्या होती हैं, डूबी हुई होती हैं, विशेष प्रकार के पदार्थ में डूबी हुई होती हैं, और उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं बेटा, आधात्री। वो पदार्थ क्या कहलाता है, आधात्री। अब ये जो आधात्री होता है बेटा, ये आधात्री बेटा ठोस भी हो सकता है, कोमल भी हो सकता है मतलब लचीला भी हो सकता है, और द्रव अवस्था में भी हो सकता है। समझ रहे हो ना बात को, कैसा हो सकता है बेटा, ये ठोस भी हो सकता है, ये कोमल भी हो सकता है, और ये द्रव अवस्था में भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, एग्जाम्पल देखें अस्थियाँ, अस्थियों का जो आधात्री होता है बेटा ये कैसा होता है, ठोस। अस्थियों का आधात्री ठोस होता है, और उस ठोस आधात्री में अस्थियों की कोशिका ऑस्टियोसाइट्स जो होती हैं वो उसके अंदर डूबी हुई होती हैं। बात समझ में आई ना। और अगर अपन बात करते हैं जैसे मांसपेशियां कैसी होती हैं, लचीली, क्यों, क्योंकि उनका आधात्री बेटा कोमल होता है, उनका आधात्री कैसा होता है, कोमल होता है, इसकी वजह से उनमें लचीलापन पाया जाता है। ठीक है बेटा। एक होता है द्रव, अरे भाई द्रव कहां से आ गया, ऐसा कोई सा उत्तक है जो द्रव है बेटा, हमारा रक्त, हमारा जो रक्त होता है बेटा, हमारा रक्त द्रव संयोजी उत्तक होता है या तरल संयोजी उत्तक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका आधात्री जो होता है जिसको अपन प्लाज्मा कहते हैं, प्लाज्मा जो होता है वो रक्त का आधात्री होता है, और वो किस अवस्था में होता है, वो बेटा द्रव अवस्था में होता है। बात समझ में आ रही ना, कि आधात्री उत्तक का आधात्री कैसा, ठोस हो सकता है, कोमल हो सकता है, और द्रव अवस्था में भी हो सकता है। बात समझ में आएगी बेटा। तो वो आधात, लेकिन ये कोशिकाएं उस आधात्री में होनी चाहिए तभी वो उत्तक कहलाएगा। ठीक है बेटा। अब आज हम बेटा शुरुआत करते हैं इनमें, ये जो हमने चार उत्तकों के नाम पढ़े हैं, इस उत्तक में सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा तंत्रिका उत्तक की। अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करें किसकी बेटा, तंत्रिका उत्तक की। ए, अगर हम बात करते हैं ये तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक की बात करेंगे बेटा, तंत्रिका उत्तक। हाँ, अब बेटा चाहे कोई उत्तक हो चाहे कोई अंग हो, बात समझे ना, सबसे पहले जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले जो प्रश्न हमारे दिमाग में आता है बेटा, वो होता है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस उत्तक की या इस अंग की उत्पत्ति कहाँ से होती है, और उत्पत्ति का मतलब बेटा कि निर्माण कहाँ से होता है, कौन से जनन स्तर से निर्माण होता है। तो बेटा सबसे पहला प्रश्न का जो आंसर आता है वो होता है बेटा कि इस तंत्रिका उत्तक की उत्पत्ति जो है एक्टोडर्म के द्वारा, एक्टोडर्म के द्वारा होती है। तंत्रिका उत्तक की उत्पत्ति कैसे होगी बेटा, एक्टोडर्म से। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं बेटा कि ये जो एक्टोडर्म होती क्या है, नाम सुना है बेटा, जनन स्तर होते हैं तीन, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। बात समझ में आ गई। देखो अब जनन स्तर कैसे, भ्रूणी अवस्था में कोशिकाओं की तीन परतों का निर्माण होता है, एक होती है कौन सी, एक्टोडर्म, दूसरी होती है मीजोडर्म और तीसरी लास्ट होती है एंडोडर्म। तीन जनन, ये कहलाते हैं जनन स्तर। क्या कहलाते हैं, जनन स्तर। और इन्हीं तीनों जनन स्तरों के द्वारा हमारे शरीर के हर एक अंग का, हर एक उत्तक का, हर एक कोशिका का निर्माण होता है। सभी का मतलब यह होगा कि अलग 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 जो होते हैं, जैसे एक्टोडर्म है तो अलग अलग संरचनाओं का निर्माण करेगी, मीजोडर्म अलग जैसे की बात करते हैं अपन पेशी उत्तक का निर्माण करेगी, और जैसे एंडोडर्म ये होती है, ये अलग 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 जो जनन स्तर होते हैं उनसे हमारे शरीर के अलग अलग उत्तकों या अलग अलग अंगों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि तंत्रिका उत्तक की, तो तंत्रिका उत्तक का जो निर्माण होता है बेटा वो किससे होता है, वो एक्टोडर्म से होता है, एक्टोडर्म के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। अब ये क्या है बेटा, उत्तक है, उत्तक का मतलब इसके अंदर कोशिकाएं होंगी, क्या होंगी बेटा, कोशिकाएं। तो ये जो तंत्रिका उत्तक है इसमें बेटा दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं,
इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहली कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबने नाम सुना है तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन कहते हैं न्यूरॉन। ये क्या होता है बेटा? न्यूरॉन। एक तो होता है न्यूरॉन और दूसरी होती है बेटा ग्लियल कोशिकाएं। ग्लियल कोशिकाएं, ठीक है बेटा, दो तरह की, मतलब जो तंत्रिका ऊतक होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पहला होता है तंत्रिका कोशिका, दूसरी होती है ग्लियल कोशिकाएं, ठीक है बेटा। अब हम इन दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा किसकी? न्यूरॉन की, क्या तंत्रिका कोशिका की। तो बेटा तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका कोशिका हमारे तंत्रिका तंत्र की, या न्यूरॉन जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं या तंत्रिका कोशिका जो होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इनका निर्माण भ्रूणी अवस्था में होता है। इनका निर्माण किससे होता है, किसमें, कहाँ होता है बेटा? भ्रूणी अवस्था में। जितनी जितनी तंत्रिका कोशिकाएं बननी होती हैं उतनी तंत्रिका कोशिकाएं भ्रूणी अवस्था में बन जाती हैं, और विकास के दौरान जब इनमें विकास, जब हमारा विकास हो रहा होता है, जब हम भ्रूणी अवस्था से निकल करके धीरे धीरे बढ़ते हैं, हमारा विकास होता है, तो विकास के दौरान ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इन तंत्रिका कोशिकाओं का तारक काय विलुप्त हो जाता है। ध्यान देने की बात है बेटा कि तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण भ्रूणी अवस्था में होता है। कब होता है? भ्रूणी अवस्था में होता है, और विकास के दौरान इन तंत्रिका कोशिकाओं का तारक काय विलुप्त हो जाता है। और बेटा तारक काय का काम क्या होता है? तारक काय किस में सहायता करता है? कोशिका विभाजन में। तारक काय किस में सहायता करता है? कोशिका विभाजन में। हम किसकी बात कर रहे हैं? तंत्रिका कोशिका की। शरीर की बाकी कोशिकाओं की बात नहीं कर रहे हैं हम, तंत्रिका। तो तंत्रिका कोशिकाओं का तारक काय भैया विलुप्त हो गया तो क्या होगा? वेरी गुड, ये कोशिकाएं अपने जीवन काल में कभी विभाजित नहीं होंगी। बात समझ रहे ना कि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं मात्र ऐसी कोशिकाएं होती हैं वो जो अपने जीवन काल में कभी विभाजित नहीं होती हैं। तो भैया समस्या हो गई, जब विभाजित नहीं होंगी, जितनी कोशिकाएं बननी होती हैं भ्रूणी अवस्था में बन चुकी हैं, अब इनमें तारक काय विलुप्त हो गया तो अब ये क्या विभाजन करेगी? नहीं करेगी। अब जब विभाजन नहीं करेगी तो बेटा भ्रूणी अवस्था में तो हमारा आकार छोटा सा होता है, और हम आज इतने बड़े लंबे चौड़े हो गए, बाकी सारी कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर का आकार बढ़ा है, इनका क्या? तो बेटा इनमें क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं ये विभाजन नहीं करती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे शरीर या प्राणी के शरीर की वृद्धि होती है वैसे वैसे ये लंबाई में बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं बेटा? आकार या लंबाई में वृद्धि करती हैं। इसलिए तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। तो यहां पे दो चीज हो गई कि हम ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो हमारे शरीर में होती हैं लेकिन कभी विभाजन नहीं करती, तो कौन सी हो गई बेटा? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका भी कौन सी हो गई? तंत्रिका कोशिका। बात समझ रहे बेटा? सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं लेकिन केवल कौन सा नहीं होता? तारक काय। और तारक काय की अनुपस्थिति के कारण ये जो तंत्रिका कोशिका है अपने जीवन काल में कभी विभाजित नहीं होती है, और ये शरीर की वृद्धि के साथ साथ केवल लंबाई में वृद्धि करती हैं, इसलिए ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। आगे बेटा यहां तक समझ में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा, अब ये तो गई, अब हम देखते हैं इसकी संरचना। किसकी संरचना बेटा? तंत्रिका कोशिका की संरचना, ठीक है बेटा। अब देखते हैं, देखो ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये तंत्रिका कोशिका बेटा इसके दो भाग होते हैं,
तंत्रीय कोशिका के दो भाग होते हैं। पहला साइटोनिया कोशिका काय, कोशिका काय एक होता है कोशिका काय, और इसके बेटा और नाम भी हैं, एक है बेटा सोमा और पेरिकेरियोन और साइटोन। ये बेटा ये जो है ये एक ही भाग के नाम हैं, कोशिका काय, सोमा, पेरिकेरियोन और साइटोन। ये जो है बेटा ये चारों जो नाम हैं ये एक ही संरचना के नाम हैं, और वो संरचना कौन सी है अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो वो संरचना बेटा ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये बेटा ये होता है साइटोन या कोशिका काय। और ये जो कोशिका काय होता है बेटा, ये कोशिका काय जो होता है ये तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है, तंत्रिका कोशिका का सबसे मुख्य भाग होता है, ठीक है। और इस भाग में सभी कोशिकांग जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये जितने भी कोशिकांग होते हैं किसको छोड़ करके, तारक काय को छोड़ करके, तारक काय को छोड़ करके सभी कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। तारकाय नहीं है, तारकाय विलुप्त हो चुका है भ्रूणी अवस्था में। अब तारक काय को विलुप्त कर दिया मतलब इसने कुछ दे दिया, तो भैया ये भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कुछ नया दिया जाए। अगर हमने इससे कुछ लिया है तो इसको कुछ देना भी पड़ेगा, बात समझ आई ना, अगर कुछ लिया है तो देना ही पड़ेगा। तो हमने क्या किया, नेचर ने किया है, क्या किया इससे तारक काय ले लिया, तारक काय नाम का एक कोशिकांग ले लिया, लेकिन उसके बदले में उसको दो नए कोशिकांग दे दिए। जिन दोनों कोशिकाओं उन कोशिकांगों ने इस कोशिका को क्या बना दिया, विशिष्ट बना दिया। तारक काय ले लिया लेकिन दो नए कोशिकांग इसके अंदर उत्पन्न हो गए। अब वो दो नए कोशिकांग कौन कौन से हैं हम देखते हैं बेटा। तो इस तारक काय की अगर इसमें बात करते हैं, किसकी, साइटोन की बात करते हैं, तो इस साइटोन में अगर अपन बात करें तो इसमें बेटा ए निसल के कण, एक तो कोशिका कौन सा हो गया बेटा, निसल के कण, ठीक है, बात समझ आएगी। और दूसरा अगर अपन बात करते हैं तो ये लाल लाल धागेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं बेटा तंत्रिका तंतु अलग होता है और तंत्रिका तंतुक अलग होते हैं, बस में ना, तंत्रिका तंतु अलग होता है, तंत्रिका तंतु हम तंत्रिका कोशिका को ही कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को ही हम क्या कहते हैं, तंत्रिका तंतुक, ठीक है। और तंत्रिका तंतुक क्या होता है बेटा, तंत्रिका तंतुक छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जो कि तंत्रिका कोशिका के अंदर पाई जाती हैं, बात समझ आएगी ना। तो यहां पे पहले बात करेंगे बेटा किसकी, निसल के कण। अब बेटा ये निसल के कण होते क्या है, नाम सुना है बेटा, अंतः प्रद्रव्य जालिका कोशिकांग होता है, अंतः प्रद्रव्य जालिका मतलब ER, अंतः प्रद्रव्य जालिका। और हमें पता है कि ये जो अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है बेटा ये दो प्रकार की होती है, एक होती है चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका और दूसरी, वेरी गुड, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। एक होती है बेटा चिकनी जिसको अपन SER कहते हैं और एक होती है खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका जिसको अपन RER कहते हैं। मतलब जो अंतर हम बता रहे हैं कि निसल के कणों का निर्माण कैसे होता है, समझ में आ रहा ना कि निसल के कण बनते कैसे, इनका कार्य क्या है। तो यहां देखो बेटा अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है कौन सी, खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। खुरदरी क्यों है, क्योंकि इसकी सतह पर बेटा कौन पाए जाते हैं, कौन बता सकता है, वेरी गुड, ये बेटा खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका खुरदरी इसलिए होती है क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं बेटा, इसलिए कैसी है ये, खुरदरी है।
अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है किसकी, तंत्रिका कोशिका की बात करें बेटा, तंत्रिका कोशिका की खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है, और इस का जो झिल्लीय भाग होता है, इसका जो नलिकीय भाग होता है, ये नलिकीय भाग इस राइबोसोम के चारों तरफ लिपट करके, इस राइबोसोम के चारों तरफ लिपट करके एक कण के समान संरचना का निर्माण कर लेती है। टूट गया, RER का टुकड़ा मिल गया। अब ये RER का टुकड़ा क्या करेगा, जो इसके साथ राइबोसोम जुड़ा हुआ है इसके चारों तरफ लिपट जाएगा और एक कण के समान संरचना का निर्माण कर लेगा। और ये जो कण के समान संरचना होती है बेटा, इसे को अपन कहते हैं निसल के कण। और निसल जो होता है वो बेटा किसका नाम है, ये वैज्ञानिक का नाम है। निसल किसका नाम है, वैज्ञानिक का नाम। बात सुनेंगे ना, तो ये जो होते हैं निसल के कण। अब ये तो समझ में आ गया, ये तो हमारे समझ में आ गया कि निसल के कणों का निर्माण कैसे होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि निसल के कणों का कार्य क्या होता है, क्या कार्य करते हैं। कौन बता सकता है कि इसका कार्य क्या है? बहुत सिंपल है बेटा। बेटा चलो मैं एक क्लू देता हूं, इस निसल के कण के बीच में कौन है, राइबोसोम। वेरी गुड। तो राइबोसोम क्या काम करता है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण। वेरी गुड। तो राइबोसोम जो काम करता है वही काम तो इसका होगा, क्योंकि इसके अंदर कौन है, राइबोसोम। तो जैसे राइबोसोम का काम होता है क्या, प्रोटीन संश्लेषण करना, वैसे ही इस निसल के कणों का काम भी क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। बात समझ में आ गई ना। तो हमें पता चल गया कि ये निसल के कणों का निर्माण कैसे हुआ है और इनका कार्य क्या है। तो पहला जो कोशिकांग इसके अंदर पाया गया, निसल के कण। ये जो निसल के कण, ये जो बेटा इनका निर्माण कैसे होता है, RER के टुकड़े होने से, मतलब खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के टुकड़े होने से इनका निर्माण होता है। और इनका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है बेटा। अब पहला तो हो गया अपने पास कौन सा, निसल के कण। अगर हम बात करते हैं बेटा दूसरे कोशिकांग की, जो इसकी विशेषता है, जो कि इसकी विशेषता होती है वो बेटा बी, बी की अगर अपन बात करते हैं, कौन, तंत्रिका तंतुक, तंत्रिका तंतुक, तंत्रिका तंतुक। अब ये बेटा तंत्रिका तंतुक क्या होते हैं, अब देखिए अगर हम गौर से देखें इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में छोटे छोटे लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे डायग्राम में, तो जो ये छोटे छोटे धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जो कि इसके कोशिका द्रव्य या न्यूरोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव्य या न्यूरोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं बेटा, वो कहलाते हैं क्या, तंत्रिका तंतुक। और इन तंत्रिका तंतुकों का ही कार्य होता है बेटा क्या, आवेग की उत्पत्ति करना और आवेग को संचरित करना। जो तंत्रिका कोशिका में उत्तेजनशीलता और संवहनशीलता का जो गुण पाया जाता है वो इन तंत्रिका तंतुकों की वजह से ही होता है। मतलब ये आवेग की उत्पत्ति भी करवाते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरित करने का कार्य भी करते हैं। बात समझ आएगी बेटा। तो यहाँ पर ये दो प्रकार के कोशिकांग हैं जो विशिष्ट होते हैं, जो कि केवल किसमें पाए जाते हैं, हमारी तंत्रिका कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। और तंत्रिका कोशिका की बात करें तो सबसे पहले हमने बात किसकी कर ली बेटा, साइटोन की। तो साइटोन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, साइटोन तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। ठीक है। और इसमें सारे कोशिकांग किसको छोड़ करके, तारक काय, तारक काय को छोड़ करके इसमें सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। बात समझे ना, सारे कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें दो विशिष्ट कोशिकांग पाए जाते हैं, एक तो होता है निसल के ग्रेन्यूल या निसल के कण, और दूसरे तंत्रिका तंतुक या न्यूरोफाइब्रिल्स। बात समझ आ गई। तो ये बेटा, ये हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली जो तंत्रिका कोशिका का सबसे पहला भाग है, कौन सा, न्यूरॉन या कोशिका काय, कोशिका काय। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की, जो तंत्रिका कोशिका होती है। हम इस तंत्रिका कोशिका के साइटोन के बारे में बात कर ली, और इसका जो दूसरा भाग होता है वो होता है बेटा प्रवर्ध, प्रवर्ध,
प्रवर्ध क्या होते हैं बेटा? धागेनुमा संरचनाएं। तो कोशिका काय से निकलने वाली, कोशिका काय से निकलने वाली धागेनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं। ध्यान से देखिए उस डायग्राम में, ये जो कोशिका काय है उससे धागेनुमा संरचनाएं निकली हुई हैं। यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो ये देखो, ये तो है अपना कौन? साइटोन। इस साइटोन से धागेनुमा संरचनाएं निकली हुई हैं, और ये जो धागेनुमा संरचनाएं होती है बेटा, इन धागेनुमा संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं? प्रवर्ध। मतलब साइटोन से या कोशिका काय से निकलने वाली धागेनुमा संरचनाएं प्रवर्ध कहलाती हैं। ठीक है, अब ये जो प्रवर्ध होते हैं बेटा, ये दिखाई दे रहे हैं प्रवर्ध, ये जो प्रवर्ध होते हैं, ये प्रवर्ध बेटा देखें तो ये प्रवर्ध अपने को कितने दो प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। एक प्रवर्ध होता है कौन सा? एक्सॉन। एक तो होता है बेटा एक्सॉन, और दूसरा होता है डेंड्रॉन। अभी डिफरेंस देखेंगे बेटा इसके अंदर, एक्सॉन और डेंड्रॉन, दो प्रकार के प्रवर्ध निकले हुए होते हैं बेटा। एक तो होता है एक्सॉन और दूसरा होता है डेंड्रॉन। अब हम कैसे पता करें कि कौन सा एक्सॉन है और कौन सा डेंड्रॉन है? तो बेटा सबसे अच्छा है तरीका कि एक्सॉन को पहचानना। एक्सॉन जो होता है बेटा, एक्सॉन तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा प्रवर्ध होता है। फिर से देखिए, एक्सॉन जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा प्रवर्ध होता है, और दूसरी चीज कि ये संख्या में केवल एक ही होता है। ऐसा नहीं कि दो चार पांच लटके हुए हैं साइड में, नहीं, केवल एक ही होता है। ठीक है ना, कि एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन तंत्रिका कोशिका का केवल एक, केवल सबसे लंबा प्रवर्ध होता है, और वो संख्या में केवल एक ही होता है। अगर किसी तंत्रिका कोशिका में केवल एक प्रवर्ध है तो वो कौन है बेटा? वो है एक्सॉन। अगर हमारे सामने कोई एक कोशिका दे दी जाए और उसमें केवल एक प्रवर्ध है, तो जो प्रवर्ध होगा वो कैसा हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो बेटा क्या होगा? वो होगा एक्सॉन। क्यों? क्योंकि एक तंत्रिका कोशिका में केवल एक ही प्रवर्ध होता है, और वो प्रवर्ध सबसे लंबा जो होगा वो कौन सा होता है? वो एक्सॉन। एक प्रवर्ध होगा और वो सबसे लंबा होगा, और सबसे लंबे प्रवर्ध को अपन क्या कहते हैं बेटा? एक्सॉन। बात समझ में आ गई ना? अब अगर अपन बात करते हैं यहां पे देखें तो यहां पे कौन सा एक्सॉन कौन सा दिखाई दे रहा है बेटा? ये देखो, ये सबसे लंबा प्रवर्ध है, इसको अपन क्या कहेंगे? एक्सॉन। इसको क्या कहेंगे? एक्सॉन। ये देखो, ये सबसे लंबा है। अब यहां पे देखते हैं कि ये जो एक्सॉन है बेटा, इस एक्सॉन की जो कोशिका झिल्ली होती है, इनको हम बेटा नाम भी अलग अलग देते हैं, कि इसमें जो एक्सॉन की दो एक्सॉन की जो कोशिका झिल्ली होती है और एक्सॉन का जो कोशिका द्रव्य होता है, इन दोनों के नाम भी अलग अलग हैं। इन दोनों के नाम भी क्या है बेटा? अलग अलग हैं। कि जो एक्सॉन की जो कोशिका झिल्ली होगी उसको अपन कहेंगे क्या? एक्सोलीमा। और एक्सॉन का कोशिका द्रव्य जो होगा उसको अपन कहेंगे बेटा एक्सोप्लाज्म। एक्सोलीमा और एक्सोप्लाज्म। बात समझ में आ गई ना यहां तक कि एक्सॉन की कोशिका झिल्ली एक्सोलीमा कहलाती है, और एक्सॉन का साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जो होता है वो एक्सोप्लाज्म कहलाता है। बात समझ में आ गई? अब यहां देखते हैं कि ये जो एक्सॉन है, यहां पे दिखाई दे रहा है, ये संरचनाएं कुछ बनी हुई है, ये जो संरचनाएं बनी हुई है ये बेटा, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं हम? ये संरचनाएं कहलाती है माइलिन आच्छद। क्या कहलाती है? माइलिन आच्छद। एक्सॉन के ऊपर जो संरचनाएं पाई जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं को बोलते हैं माइलिन आच्छद। और माइलिन आच्छद क्यों कहते हैं बेटा? क्यों? क्योंकि माइलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। किसके बनी हुई होती हैं? माइलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं। और बेटा हमारे शरीर में कुछ तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ये माइलिन आच्छद पाए जाते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ये माइलिन आच्छद नहीं पाए जाते हैं। बात समझ गए ना? तो ये इसके ऊपर जो संरचनाएं पाई जाती है, माइलिन प्रोटीन की बनी हुई जो संरचनाएं पाई जाती हैं, वो बेटा वो कहलाती है माइलिन आच्छद। और माइलिन आच्छद की जो माइलिन प्रोटीन होती है, उसका निर्माण करने के लिए विशेष प्रकार की स्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं। विशेष प्रकार की स्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये जो स्वान कोशिकाएं होती हैं बेटा, ये स्वान कोशिकाएं एक्सोलीमा में पाई जाती हैं।
कहाँ पाई जाती हैं? एक्सोलिमा में पाई जाती हैं। तो मतलब क्या हो गया कि एक्सॉन की बाहरी सतह पर माइलिन आच्छद पाया जाता है। ये माइलिन आच्छद जो होता है वो, बेटा ध्यान से देखना, ये माइलिन आच्छद लगातार ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। ये माइलिन आच्छद लगातार ना होकर के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। इसका मतलब इन दो टुकड़ों के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। और दो माइलिन आच्छदों के बीच में जो रिक्त स्थान पाया जाता है बेटा, उस रिक्त स्थान को अपन कहते हैं रेनवियर की पर्व संधि। क्या कहेंगे? रेनवियर की पर्व संधि। यहां पे देखिए, ये रेनवियर की पर्व संधि जो दोनों माइलिन आच्छदों के बीच में पाई जाती है। और इनका कार्य बेटा, यहां से ये जो देखो माइलिन आच्छद जो होता है बेटा, ये आवेग संचरण का प्रतिरोधी होता है। मतलब ये आवेग को संचरण में रुकावट डालता है। क्या करता है? रुकावट डालता है। अब लेकिन आवेग का संचरण होना जरूरी है। तो यहां पे जो रेनवियर की पर्व संधि है, एक रेनवियर की पर्व संधि पर से आवेग जंप करके दूसरी पे जाता है, दूसरी पर्व संधि पे जाता है, दूसरी तीसरी पे जाता है। ऐसे जंप करके वो आवेग जो होता है वो एक एक्सॉन के ऊपर गति करता है, गमन करता है, संचरित होता है। बात समझ आ गई ना? और कुछ कुछ बेटा न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं, कुछ तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनके एक्सॉन पर माइलिन आच्छद अनुपस्थित होता है। मतलब माइलिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो क्या माइलिन प्रोटीन नहीं, तो इसका मतलब श्वान कोशिकाएं भी नहीं होनी चाहिए? लेकिन है बेटा, श्वान कोशिकाएं पाई जाती हैं चाहे माइलिन आच्छद हो या नहीं हो। दोनों प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सोलिमा के ऊपर श्वान कोशिकाएं जरूर पाई जाती हैं, चाहे वो उन्होंने माइलिन आच्छद का निर्माण किया हो चाहे नहीं किया हो। ध्यान देने की बात है बेटा, ठीक है। अब बेटा, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पर ये जो एक्सॉन है, ये दिखाई दे रहा बेटा, ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन आगे जाकर के शाखित हो रहा है, शाखाओं में विभक्त हो रहा है। और इसकी जो शाखाएं होती हैं वो कहलाती है बेटा टीलोडेंड्रॉन। और ये जो टीलोडेंड्रॉन होते हैं, किसी दूसरे न्यूरॉन के, किसी दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन, डेंड्राइट या एक्सॉन के साथ मिलकर के सिनेप्स का निर्माण करते हैं। मतलब एक संधि बनाते हैं। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के साथ जिस संधि में रहती है उस संधि को अपन कहते हैं बेटा सिनेप्स। वो संधि क्या कहलाती है? सिनेप्स। और सिनेप्स का कहाँ से होता है बेटा? सिनेप्स होता है बेटा कि जो किसके एक्सॉन के जो टीलोडेंड्रॉन होते हैं, एक्सॉन के टीलोडेंड्रॉन किसी दूसरे न्यूरॉन के, किसी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रॉन, डेंड्राइट या एक्सॉन के साथ मिलकर के जो संधि बनाते हैं वो संधि कहलाती है बेटा सिनेप्स। बात समझ में गई? तो ये बेटा, ये हमारा पहला प्रवर्ध हो गया। कौन सा पहला हो गया बेटा? ये हो गया एक्सॉन। कौन सा हो गया? एक्सॉन। अब बेटा हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रवर्ध की, कौन जो क्यों होता है। और एक, हाँ सॉरी, एक चीज और हमने इस ध्यान देने की चीज है कि ये जो एक्सॉन होता है ये किस प्रकृति का होता है बेटा। प्रकृति दो होती है, एक पास लाने की और एक दूर ले जाने की। एक तो होती है पास लाने की, एक होती है दूर ले जाने की। तो ये जो एक्सॉन होता है बेटा, ये दूर ले जाने की प्रवृत्ति का होता है। मतलब ये एक्सॉन का काम होता है, एक्सॉन जो होता है वो आवेग को कोशिका काय से दूर लेके जा रहा है। आवेग को कोशिका काय से, मतलब अगर बात करते हैं कि यहां पे आवेग है तो ये इस आवेग को ये कहां से, कोशिका काय से दूर ले जाने का काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो एक्सॉन हो गया ये बेटा किस प्रकृति का हो गया? अपवाही। कैसा हो गया बेटा? अपवाही प्रकृति का। कैसा होता है? अपवाही प्रकृति का, ठीक है। अपवाही प्रकृति मतलब कि आवेग को दूर ले जाना कहां से? साइटोम से या कोशिका काय से। तो एक्सॉन जो होता है अपवाही प्रकृति का होता है, क्योंकि ये आवेग को कोशिका काय से दूर ले जाने का काम करता है। बात समझ में आ गया यहां तक की? चलो, अब ये तो बेटा बात होगी इसकी एक्सॉन की। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे प्रवर्ध, किसके बेटा? इस न्यूरॉन के या तंत्रिका कोशिका के दूसरे प्रवर्ध, जिसका नाम क्या है? डेंड्रॉन। जिसका नाम क्या होता है बेटा? डेंड्रॉन। अब ये जो डेंड्रॉन है, ये जो डेंड्रॉन होते हैं बेटा, ये डेंड्रॉन बेटा संख्या में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन कैसे होते हैं? छोटे।
न्यूरॉन के जो छोटे प्रवर्ध होते हैं, ऐसे प्रवर्ध जो साइटोन से निकले हुए होते हैं और छोटे होते हैं और संख्या में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं बेटा, वो कहलाते हैं डेंड्रॉन। वो क्या कहलाते हैं? डेंड्रॉन। और ये जो डेंड्रॉन होते हैं बेटा, ये डेंड्रॉन भी आगे जाकर के शाखित होते हैं और इनकी जो शाखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट, डेंड्रॉन की शाखाएं क्या कहलाती हैं बेटा? डेंड्राइट। बात समझ में आ गई? डेंड्रॉन की शाखाएं क्या कहलाएंगी? डेंड्राइट। समझ आ गया तक का? ठीक है, अब इनकी प्रकृति कैसी होती है? डेंड्रॉन और डेंड्राइट की प्रकृति कैसी होती है? तो बेटा ये जो दोनों होते हैं, दोनों कौन? डेंड्रॉन और डेंड्राइट, ये बेटा ये आवेग को साइटोन की तरफ भेजते हैं। आवेग को क्या करते हैं? साइटोन की तरफ भेजते हैं, मतलब साइटोन के अंदर लाते हैं लाने वाला। और लाने वाला जो होता है बेटा, अभिवाही प्रकृति का होता है। अभिवाही प्रकृति किसे कहते हैं? एक होता है बेटा अभिवाही, एक तो होता है बेटा अपवाही, दूसरा होता है अभिवाही। तो अभिवाही प्रकृति का मतलब होता है कि पास लाने वाला, पास लाने वाला। तो जो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होते हैं, जो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, इनका काम होता है क्या? ये क्या करते हैं? ये आवेग को कोशिका काय की तरफ लेके आते हैं। आवेग को कोशिका काय की तरफ लेके आते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर कोई आवेग, तो ये जैसे ये आवेग है, तो यहाँ से आवेग को किस तरफ लेके जा रहे हैं? कोशिका काय की तरफ लेके जा रहे हैं। तो कैसे हो गया? लाने वाला अभिवाही, ले जाने वाला अपवाही। तो जो डेंड्रॉन और डेंड्राइट होते हैं बेटा, ये तो होते हैं अभिवाही प्रकृति के, और जो एक्सोन होता है वो अपवाही प्रकृति का होता है। बात सुनिए ना, एक होता है अभिवाही, दूसरा होता है अपवाही। समझ में आ गई चीजें बेटा? ठीक है ना, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई। कि अब बात कर ली हमने किसकी? देखो, हमने बात करी तंत्रिका कोशिका की। जो तंत्रिका कोशिका है बेटा, ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसके दो भाग होते हैं, एक तो कोशिका काय, दूसरा होता है प्रवर्ध। कोशिका काय इसका मुख्य भाग होता है, जिसमें तारक काय को छोड़कर के सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और दो विशिष्ट कोशिकांग कौन से? तंत्रिका तंतु को निसल के कण इसके अंदर पाए जाते हैं, जो इसकी विशिष्टता होती है, जिसके अंदर उत्तेजनशीलता और संवेदनशीलता का गुण उत्पन्न करते हैं। समझ में आ गया था का? अब बेटा अब आगे बात करते हैं किसकी। ये देखो, ये होता है प्रवर्ध। प्रवर्ध की कोशिका काय या साइटोन से निकलने वाले, कोशिका काय या साइटोन से निकलने वाले धागे नुमा संरचनाओं को अपन क्या कहते हैं बेटा? क्या कहेंगे? प्रवर्ध। और ये जो प्रवर्ध होते हैं बेटा, ये दो प्रकार के होते हैं, एक्सॉन और डेंड्रॉन। बेटा एक्सॉन जो होता है वो सबसे लंबा प्रवर्ध होता है। कोशिका तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा प्रवर्ध कौन सा होता है? एक्सॉन। एक्सॉन की कोशिका झिल्ली क्या कहलाती है? एक्सोलिमा। और एक्सॉन का कोशिका द्रव्य क्या कहलाता है? एक्सोप्लाज्म। बात समझ में आ गई ना, ये हो गए। अगर अपन बात करते हैं किसकी, कि ये जो एक्सॉन होता है, ये एक्सॉन कैसा? अपवाही प्रकृति का होता है, मतलब आवेग को कोशिका काय से दूर ले जाने का कार्य करता है। आवेग को दूर ले जाने का काम करेगा कौन? एक्सॉन। बात समझ में गया? और एक्सॉन की शाखाएं टीलोडेंड्रॉन कहलाती हैं। एक्सॉन की शाखाएं टीलोडेंड्रॉन कहलाती हैं, जो किसी दूसरे न्यूरॉन के साथ, दूसरे न्यूरॉन के साथ किस भाग से जुड़ेगी? या तो डेंड्रॉन या डेंड्राइट या एक्सॉन के साथ जुड़ करके सिनेप्स का निर्माण करेगी, संधि का निर्माण करेगी, जिसको अपन कहते हैं सिनेप्स। ठीक है बेटा। और दूसरा जो प्रवर्ध होता है कौन सा? डेंड्रॉन। डेंड्रॉन बेटा संख्या में एक या एक से ज़्यादा होते हैं और एक्सॉन से छोटे होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और आगे जाकर के शाखित हो जाते हैं, मतलब ये शाखाओं विभक्त हो जाते हैं। डेंड्रॉन आगे जाकर के शाखाओं विभक्त हो जाते हैं और इनकी जो शाखाएं होती हैं, इन शाखाओं को अपन कहते हैं बेटा डेंड्राइट्स। इनकी शाखाओं को क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स होते हैं बेटा, ये अभिवाही प्रकृति के होते हैं, मतलब आवेग को लेके आते हैं, आवेग को पास लाने का काम करते हैं। बात समझ आ गई ना, आवेग को पास लेके आ रहे हैं। कहाँ पे पास? साइटोन की तरफ लेकर के आ रहे हैं, मतलब कोशिका काय की तरफ लेकर के आने वाला जो होता है वो कौन होता है? डेंड्रॉन और डेंड्राइट। और वो किस प्रकृति के होते हैं? पास ला रहे हैं, मतलब अभिवाही प्रकृति के होते हैं। बात समझ आ गई बेटा? तो ये हमने देख लिया बेटा, ये तंत्रिका जो ऊतक होता है, इसका हमने बात कर ली कौन सी? तंत्रिका कोशिका की।
अब बेटा इसमें एक संरचना और पाई जाती है, एक और होती है, एक प्रकार की कोशिकाएं और होती हैं, और उन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं बेटा, एक कोशिका, उस कोशिका को अपन कहते हैं क्या बेटा, ग्लियल कोशिकाएं, ग्लियल कोशिकाएं, क्या कहेंगे बेटा इसको, ग्लियल कोशिकाएं, ठीक है। अब बेटा ये ग्लियल कोशिकाएं क्या होती हैं, क्या मतलब होता है ग्लियल कोशिकाओं का, अंतर क्या होता है तंत्रिका कोशिका और ग्लियल कोशिकाएं। तो बेटा जो ये जो ग्लियल कोशिकाएं होती हैं, ये तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं ही होती हैं, तंत्रिका उत्तक की कोशिकाएं ही होती हैं, लेकिन इनमें तारककाय उपस्थित होता है, इनमें तारककाय उपस्थित होता है, ध्यान रखना इस चीज का, इनमें क्या होता है तारककाय उपस्थित होता है, ठीक है। और तारककाय की उपस्थिति होती है इसका मतलब इनमें विभाजन होगा, इनमें क्या विभाजन भी होता है, ठीक है। अब इनमें विभाजन होता है तो इन कोशिकाओं का कार्य क्या हो गया फिर, ये क्या कार्य करती हैं कोशिकाएं। देखो बेटा ये जो कोशिकाएं होती हैं ग्लियल कोशिकाएं, एक तो क्या करती हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा प्रदान करती हैं, दूसरी इनको पोषण प्रदान करती हैं। ग्लियल कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं को सहारा प्रदान करती हैं, इनको पोषण प्रदान करती हैं, और क्या करती हैं, और इनकी टूट फूट की मरम्मत, टूट फूट की मरम्मत करने का काम करती हैं। मतलब मान लो कि किसी भी कारण से, मान लो किसी भी कारण से अगर तंत्रिका कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, किसी भी कारण से अगर तंत्रिका कोशिका कैसी हो गई, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो क्या करेंगे बेटा, क्षतिग्रस्त हो गई तो इसकी रिपेयरिंग जरूरी है, क्योंकि ये बेटा विभाजन तो कर नहीं सकती, तंत्रिका कोशिका विभाजन तो कर नहीं सकती, लेकिन ये क्या करेंगी, लेकिन ये क्या करती है, इनमें टूट फूट की मरम्मत करने का काम किया जाता है। मतलब ये जो छोटे मोटे टूट फूट, जैसे मान लो किसी प्रकार की कोई क्षति हो गई, तो उस क्षति की पूर्ति कौन करता है बेटा, उस क्षति की पूर्ति करेगा कौन, ये ग्लियल कोशिकाएं। समझ आ गया बेटा यहाँ तक का। तो ये है हमारा जो आज का हमने जो टॉपिक पढ़ा वो है बेटा तंत्रिका उत्तक। आगे अगले चैप्टर, अगले वीडियो में हम बात करेंगे बेटा अगले उत्तक की, और वो उत्तक होगा कौन सा, वो होगा बेटा पेशीय उत्तक।